गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के विद्यार्थियों का लेक्चर 13 में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम इससे प्रीवियस वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, इसके जनरल इसके बारे में इसकी जो भूमिका है उसकी स्टडी हमने किया। इसके बाद हमने इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसमें हमने दो पॉइंट जो थे वो हम स्टडी कर चुके हैं। पहला पॉइंट था शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना और दूसरा कॉन्टैक्ट शुक्राणु का अंडाणु से संपर्क एवं कैपेसिटेशन। ओके, संपर्क और उसकी निषेचन क्षमता। और तीसरा जो पॉइंट है वो हम आज स्टडी करेंगे, वो है एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। हमारा टॉपिक है एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन, तीसरा पॉइंट है इसका। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि या तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि निषेचन क्या है, इसकी क्रिया विधि समझाइए, या फिर ये जो इसके पॉइंट हैं जैसे एक्रोसोम क्रिया व भेदन आ गया, निषेचन क्षमता और शुक्राणुओं का संपर्क अंडाणु से संपर्क एवं निषेचन क्षमता, ऐसे पॉइंट डाल के शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है और 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है। ओके, तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी अकेला एक्रोसोम क्रिया व भेदन क्वेश्चन दिया जा सकता है और 6 नंबर में पूरी इसकी मैकेनिज्म पूछी जा सकती है। ओके, तो देखिए एक्रोसोम क्रिया व भेदन में क्या है कि जब शुक्राणु अंडाणु की सतह पर चिपकता है तो वो गतिशील होकर, जब शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली पर चिपकता है, देखिए जिस प्रकार बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। देखिए जैसे ही ये अंडाणु है एन और इस पे कोई स्पर्म आकर के चिपकता है, ये चिपकता है, यहाँ पर चिपकता है, तो इसकी मोमेंट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मोमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब ये नॉन मोटाइल हो जाएगा। और इस यहां पर चिपक कर ये इस अंडाणु की झिल्ली को गलाना स्टार्ट कर देता है। अंडाणु की झिल्ली को गलाना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, झिल्ली को गलाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो जैसे ही कोई स्पर्म ओव्यूम के संपर्क में आता है तो वो अब गतिहीन होकर अंडाणु की झिल्ली को गलाना शुरू कर देता है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आकर से जुड़कर, अटैच होकर या जुड़कर पहले तो नॉन मोटाइल होता है और फिर दूसरा काम क्या करता है, अंडाणु की झिल्ली को गलाता है, अंडाणु की झिल्ली को गलाता है। या नष्ट करता है या तोड़ता है। ओके, ये क्या करता है कि शुक्राणु अंडाणु की प्राथमिक एवं द्वितीयक झिल्ली को नष्ट करता है या भेदता है, को भेद कर
अंडाणु झिल्ली के अंडाणु झिल्ली तक पहुंचता है, तक पहुंचता है क्या होता है? शुक्राणु अंडाणु जुड़कर नॉन मोटाइल होते हैं और अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करते हैं। शुक्राणु क्या करता है कि अंडाणु की प्राथमिक व द्वितीयक झिल्ली को भेद कर अंडाणु झिल्ली तक पहुंचता है और यह क्रिया एक भौतिक क्रिया है। यह क्या के? कौन सी क्रिया है? एक ये एक भौतिक क्रिया है, ये एक भौतिक क्रिया है। कैसे? इसमें किसी भी रसायन का उपयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी रसायन का उपयोग नहीं होता। एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद, यहां से इसके बाद देखिए यह भौतिक क्रिया हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका, शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम पाया जाता है। जो गोल्जीकाय का बना होता है, जो गोल्जीकाय का बना होता है, ओके। इसमें अनेक लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें अनेक लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं और ये जो अंडाणु झिल्ली है, अंडाणु झिल्ली जो है ये तो शुक्राणु के शीर्ष पर हो गया और अंडाणु झिल्ली क्या काम करती है? अंडाणु झिल्ली शुक्राणु के अवरोध का कार्य करती है। शुक्राणु के अवरोध का कार्य करती है। ये क्या करती है? एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है, एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है, ओके। इसके बाद अनेक प्राणियों में क्या होता है? ये तो है यहां तक की बात। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसकी स्टडी करेंगे। क्या है कि अनेक प्राणियों में क्या होता है? हां तो देखिए कि कई प्राणियों में, जैसे अनेक प्राणियों जैसे कीट गैस्ट्रोपोड, कीट गैस्ट्रोपोड, कीट गैस्ट्रोपोड, फेलेसीपोड, 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 इकाइनोडर्म,
इकाइनोडर्म आदि, इनमें क्या होता है कि अंडे इतने कठोर होते हैं कि शुक्राणु प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती, तो इसके अंदर अंडाणु शुक्राणु हर जगह से प्रवेश नहीं कर सकता, तो इनके अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इनमें माइक्रो विलाई पाए जाते हैं जिनसे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं। जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं अन्य स्थान से या अन्य स्थान कठोर होता है जहां से शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं करते। ये भौतिक क्रिया है भाई, ये क्या है, एक भौतिक क्रिया है। ये क्या है, एक भौतिक क्रिया है। इसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता, रसायनों का उपयोग नहीं होता। ओके, फिर दूसरा जो प्रकार है, देखें ये एक तरीका है। दूसरे जो प्रकार के जो एनिमल हैं उनके अंदर कुछ जंतुओं में शुक्राणु भेदन एक रासायनिक क्रिया है। शुक्राणु भेदन एक रासायनिक क्रिया है। जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा पूर्ण होती है। जो अनेक एंजाइमों द्वारा पूर्ण होती है, ये शुक्राणु के एक्रोसोम में पाए जाते हैं। ये शुक्राणु के एक्रोसोम में पाए जाते हैं। इन्हें शुक्राणु लाइजीन्स कहते हैं।
जिन्हें शुक्राणु लाइजीन्स कहते हैं। ये अंडाणु की झिल्ली को गलाकर प्रवेश करते हैं। ये अंडाणु की झिल्ली को गलाकर अंडाणु में प्रवेश करते हैं। ये जाति विशिष्ट होते हैं, ये जाति विशिष्ट होते हैं, ये जाति विशिष्ट होते हैं। ओके, इसके बाद कुछ इकाइनोडर्मेट्स, कुछ इकाइनोडर्म मेट, कुछ इकाइनोडर्मेट्स श्वसन द्वारा CO2 श्वसन द्वारा CO2 जल में मुक्त करते हैं। जल में मुक्त करते हैं जिससे जल का माध्यम अम्लीय हो जाता है और अंडाणु झिल्ली गल जाती है। अंडाणु झिल्ली नष्ट हो जाती है और शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। ओके, इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। सी आर्चिन का नेक्स्ट एग्जांपल है सी आर्चिन। इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम अंडाणु झिल्ली को तोड़ता है, राइट। ये अंडाणु में उपस्थित फॉस्फोलिपिड ए, फॉस्फोलिपिड ए को नष्ट करता है जिससे झिल्ली टूट जाती है। मेंढक या टोड में मेंढक या टोड के अंडों में प्रोनेज एंजाइम, प्रोनेज एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु की झिल्ली को तोड़ता है। ओके, इसके बाद में है स्तनधारी प्राणियों में, मेमल्स में स्तनधारी प्राणियों में इनके एक्रोसोम में हाइलूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। हाइलूरोनिडेज एंजाइम, हाइलूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है
जो हाइलुरोनिक अम्ल को घोलकर हाइलुरोनिक एसिड को डिजोल्व कर झिल्ली को नष्ट करता है। इसके अलावा भी इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक्रोसिन, सुक्रानुलाइजिन, आदि। ये जब तक सक्रिय, ये जब तक स्रावित नहीं होते, स्राव नहीं होते, जब तक कि ये एक्टिव नहीं हो जाए, सक्रिय नहीं हो जाए। ओके, इसके बाद में है शुक्राणु के एक्रोसोम में कुछ परिवर्तन होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। एक्रोसोम में क्या परिवर्तन होते हैं? एक्रोसोमल चेंज, शुक्राणु के एक्रोसोम में कुछ परिवर्तन होते हैं जो निम्न प्रकार। इसमें देखिए, नंबर वन है कि एक्रोसोम में एक्रोसोमल आशय पाया जाता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। जब एक्रोसोमल आशय पाया जाता है, जब निषेचन होता है, तो वो झिल्ली जब गलती है अंडाणु की, तो उसके अंदर जैसे ही ये शुक्राणु प्रवेश करता है, तो एक्रोसोमल का बाह्य भाग जो है वो झिल्ली भी अपना केंद्रक उसके अंदर प्रवेश करवाती है, तो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण करती है, तीसरा चेंज इसमें क्या आता है? एक्रोसोमल नली का धीरे धीरे एक्रोसोमल ट्यूब अंडाणु में प्रवेश करती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक्सेप्शन केस क्या आता है कि असामान्य स्थिति आ जाती है कि गोल्जी बॉडी एक्रोसोम में चेंज नहीं होती। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोबोजूस्पर्मिया। ये जो कंडीशन है इसको कहेंगे ग्लोबोजूस्पर्मिया। और ये जो स्पर्म है ये निषेचन में सक्षम नहीं होते, निषेचन नहीं कर पाते। कई बार गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम में चेंज नहीं होती, और एक्रोसोम में चेंज नहीं होती तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबोजूस्पर्मिया, और ऐसे जो स्पर्म है वो निषेचन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, एक्रोसोमल नलिका अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के साथ संगलित होकर अंडाणु को सक्रिय करती है। तो ये चार इसके अंदर चेंज हैं जो
इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, स्तनधारी प्राणियों में एक्रोसोमल नलिका नहीं पाई जाती, का निर्माण नहीं होता और शुक्राणु अंडाणु के संपर्क स्थान पर ही शुक्राणु की एक्रोसोमल झिल्ली तथा अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली पुनः घुल जाती है और शुक्राणु को अंडाणु के अंदर खींच लिया जाता है और ये एक्रोसोम की क्रिया और भेदन हो गया है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो अंडाणु का सक्रियण, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।